गौरव राय, एक 21 साल का लड़का, शंकराचार्य महाविद्यालय कॉलेज से एमबीए का स्टूडेंट। ऐसा क्या हुआ कि उसको करना पड़ा? पूरे से पूरे 5 मिनट का वीडियो है, उसने खुद बनाया है। इस वीडियो की रिसर्च करी ना जब मैंने, तो कसम से बता रहा हूँ, मतलब दिल टूट गया मेरा, खत्म हो गया। बहुत बुरा फील हो रहा है मुझे इस लड़के के लिए और इसके दोस्तों के लिए, इसके पेरेंट्स के लिए, और सही बताऊं तो मेरे को लड़कों के लिए, मर्दों के लिए बहुत दुख फील हो रहा है। इस केस के बारे में ना मुझे हमारी एक सब्सक्राइबर ने बताया इंस्टाग्राम पर, उसने अपना नाम बताने से तो मना किया है। उसने मुझे इस केस के बारे में बताया कि ये सब चल रहा है इस टाइम पे भिलाई में, क्योंकि जो वो लड़की थी उसकी जो बहन है वो गौरव राय की क्लासमेट थी, तो उसके तो सामने की चीज थी ये सारी। तो अब वो सारे के सारे जितने भी दोस्त थे गौरव के, वो सब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उसके हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि गौरव ने खुद अपनी आखिरी जो वीडियो बनाई है जिसमें उसने सारे के सारे कल्प्रिट्स को एक्सपोज किया, अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सपोज किया, उसकी बहन और उसका जो बॉयफ्रेंड था। ये तीन मेन कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने नाम लिए हैं गौरव ने कि हाँ ये तीन रिस्पॉन्सिबल है मेरी। गौरव राय एक मस्त लड़का है, जहां तक कि उसकी वीडियो में पता लग रहा है कि उसके पास सब कुछ है। उसके भाई की भी शादी होने वाली थी, उसके पास पैसा है, गाड़ी है, अच्छा खासा स्टूडेंट था, मस्त मजे करने वाला लौंडा था, बिल्कुल हट्टा कट्टा। उसके यार दोस्तों ने भी यही बताया कि उसको देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि भाई वो ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, बिल्कुल मस्त था। उसकी लाइफ में ऐसा कुछ था भी नहीं सिवाय एक चीज के, जो थी उसकी गर्लफ्रेंड, जो उसको दिक्कत दे रही थी। हुमा और गौरव पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे, और गौरव ने बताया कि हुमा जो थी वो एडिक्ट थी। ऐसा वो क्यों बोल रहा है? क्यों? क्योंकि गौरव और हुमा जब रिलेशनशिप में थे ना पिछले 4 साल से, तो गौरव ने उसको कम से कम 10 से 12 बार चीट करते हुए पकड़ा, और उसके बावजूद भी हर बार माफ किया। यार हर बार माफ किया, कहता होते हैं लड़के ऐसे ही होते हैं, उसने हर बार माफ किया कि ठीक है बख्श रहा हूं तेरे को। उसके बावजूद भी जो हुमा थी वो हर बार इधर उधर मुंह मार रही थी, तुम देख लो कैसी लड़की है। गौरव ने अपनी वीडियो में ये भी बताया कि उसकी तुम अगर तुम्हें मेरी बातें झूठी लग रही है तो उसकी क्रोम हिस्ट्री जाकर देखना, वहां पर तुम्हें सारी की सारी चीजें नजर में आएंगी कि वो एक दिन में कम से कम 30 से 40 पॉन्स देखती थी। वो इतनी एडिक्ट हो चुकी थी कि उसको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार चाहिए ही चाहिए था, जिसकी वजह से इधर से उधर मुंह मारा करती थी रिलेशनशिप में होने के बावजूद, किसके? गौरव के साथ। तो गौरव के मन पर क्या बीतती होगी? गौरव उसे हर बार माफ कर देता था। गौरव ने उसको कोई सुकांत नाम का लड़का था, उसके साथ वो मूवी देखने गई थी मॉल में, उसके बाद थिएटर हॉल में कुछ हुआ उन दोनों के बीच में, बड़ी अजीब सी हरकतें हुई, ठीक है ना, इंटीमेट हुए दोनों के दोनों, ये बात भी गौरव को पता चली, तब भी उसने इग्नोर मारा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आर्यन नाम का लड़का था एक, उसके साथ भी वो फिजिकल हुआ करती थी उसके रूम में जा जाकर, मतलब वो अलग अलग लड़कों के रूम में जा रही है फिजिकल होने, वो इतनी एडिक्ट हो चुकी थी। और गौरव ये सब बातें जानने के बावजूद भी उसको 10 से 12 बार माफ कर चुका था, उसे पता था वो ऐसी है। क्यों? क्योंकि लड़का जब प्यार में होता ना तो वो माफ कर देता है अक्सर। गौरव ना उसको हमेशा एज ए गार्डियन रोकता ही था सारी चीजों के लिए, कि भाई ये मत कर, वो मत कर, तू इतनी बार पकड़ी जा चुकी है, मैं तेरी बहन को सारी चीजें बता दूंगा, ऐसे धमकी भी दिया करता था, लेकिन वो कहां मानने वाली है। कहते हैं तभी बहुत सोच समझ कर आपको पार्टनर चूज करना चाहिए। गलत लड़की से प्यार करने की ना बहुत लंबी सजा मिलती है भाई, बहुत मतलब लाइफ टाइम की सजा मिलती है। लड़के ऐसी पागल हो जाते हैं, लड़कियों को देखा पागल होते हैं ना, लड़कियां मूव ऑन कर जाती है बहुत जल्दी, लौंडे बावले हो जाते हैं। हुमा को जब गौरव ने दोबारा से पकड़ा ना तो 2 थप्पड़ लगा दिए। अब जब 2 थप्पड़ लगा दिए ना तो हल्का सा यहाँ पे आंख पे लग गया उसका नाखून भी, और फिर गौरव उसको लेकर जा रहा था अपनी गाड़ी में हुमा को, एंड देन गाड़ी का ना बीच में पेट्रोल खत्म हो जाता है, वो पेट्रोल के लिए बाहर निकलता, उसी टाइम पर हुमा का जो भाई था वो देख लेता है, और वो देख लेता है तो फिर हंगामा स्टार्ट हो जाता है, वो हुमा के घर में बात बता देता है। अब बात यहाँ पर खराब होती है कि जब हुमा के घर में बात बता दी तो यहाँ पर बेसिकली लड़कियों क्या करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए अपने बॉयफ्रेंड का कि हाँ मैं उसके रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन नहीं, आज के टाइम पे ऐसी लड़कियां हैं कि वो सारे के सारे एलिगेशंस उसी के ऊपर लगा रही है, गौरव के ऊपर ही। हुमा अपने घर वालों पे पलट गई, कहती नहीं भैया गौरव ने ही मुझे बुलाया था मिलने के लिए, मेरा और उसका तो रिलेशनशिप 4 महीने पहले ही खत्म हो चुका है, वो मेरे को डरा धमका कर धमकियां देकर उसने मेरे को मिलने के लिए बुलवाया। मतलब उसने सारी चीजें सारे के सारे इल्जाम ही गौरव के ऊपर लगा दिया, और गौरव ने इसी सारी बातों को उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी वीडियो में। अभी आगे मैं वीडियो चलाता हूं, तुम प्रॉपर देखना, इसीलिए मैं पूरी स्टोरी खुद नहीं तुम्हें नरेट कर रहा, मैं जस्ट तुम्हें हाईलाइट पॉइंट्स बता रहा हूं ताकि तुम खुद उसके मुंह से सुनो, और उसको जस्टिस मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी लड़कियां भी है भाई समाज में। वो अपने घर वालों के सामने स्टैंड, तो उसने क्या लेना था गौरव के लिए, उसने फंसा ही दिया गौरव को सारी चीजों में, उसी का नाम लगा दिया, उसी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, उसके साथ तो मेरा ब्रेकअप हो चुका है 4 महीने पहले ही, और गौरव ने जो उसके 2 थप्पड़ लगाए बस ये एक पॉइंट पकड़ लिया उन लोगों ने, जबकि एक मैं तो कहता हूं बहुत ही बढ़िया किया, 2 क्या 4 थप्पड़ लगने चाहिए, 5 थप्पड़ लगने चाहिए। जब भी वो पकड़ लेता था ना गौरव उसको, तो वो भोली सी शक्ल बना लेती थी अपनी, सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और जो लड़का प्यार करता ना वो माफ कर देता है, वो हमेशा माफ कर देता है, यही गलती होती है। तो लौंडो जो तुम वीडियो देख रहे हो ना अभी, इससे तुम, मैं सच बता रहा हूं, मेरा और कोई मकसद होता नहीं है वीडियो बनाने का, मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसलिए बना देता हूं क्योंकि मुझे पता है दुनिया बहुत हरामी हो चुकी है, ऐसे में ना तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में, ऐसे ऐसी भी बंदियां हैं भाई, तो अगले गौरव तुम्हें नहीं बनना है। ये सारी की सारी चीजें अभी पहले तुम खुद सुन लो उसके मुंह से, फिर एंड में मैं अपना ओपिनियन देता हूं। मम्मी पापा सबको बोल रहा हूं सॉरी, मम्मी पापा मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूं, मेरे को नहीं उठाना था, मेरे पास हर चीज थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पैसा सब कुछ था हम लोग के पास, लेकिन एक लड़की ने आगे मुझे इतना फेक एलिगेशन लगाया कि कहने पे मजबूर हो गया। हुमा का ये पहली बार नहीं था, इसने मुझे पहले भी बहुत बार चीट किया था, 10-12 बार और चीट किया था, फिर भी मैं इसे माफ कर देता था कि नहीं छोड़ जान दे, नहीं छोड़ जाने दे। अगर मैं एक चीज बोलूं तो हुमा टोटली एडिक्ट है, अगर आप उसकी ना क्रोम की हिस्ट्री तक देखोगे ना तो आप डर जाओगे, वो डेली कम से कम 20-30 30
देखती है उस टाइप की हो चुकी है कि मतलब मैं अपनी जान से भी इन तीन चुलो लोगों के चक्कर में दे रहा हूँ। हुमा, उसकी बहन और उसका जीजा, ये तीनों ने मुझे मिलके इतना हरेस किया कि मैं सुसाइड करने पर मेरी एक बात नहीं सुनी। और जाते टाइम, मरते टाइम तो मैं गलत गलत साबित नहीं हो रहा हूँ यार, तो जो बोल के जा रहा हूँ सच बोल के जा रहा हूँ। तो सबसे विनती है प्लीज 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 इस पे एक्शन लेना, जो को शेयर करना। मतलब उस लड़के की कोई गलती नहीं थी, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी गौरव की, उसके बावजूद भी सिर्फ एक गलत डिसीजन था उसकी लाइफ का कि एक गलत लड़की से प्यार करना। और लड़कियों के लिए कितना सही हो रखा ना कि हल्के से कपड़े फाड़ कर किसी भी लड़के के ऊपर एलिगेशन लगा दे। उसका प्रॉपर एग्जाम्पल है कि कैसे लड़की को तो बड़ा ईजी है लड़के को फंसाना, लड़के के ऊपर यूं कार्रवाई होती है और लड़की के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। लड़की का फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो उस पर अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है, और दो चार केसेस होंगे, दो चार धाराएं लगेंगी और 6-7 महीने साल में वापस आ जाएंगे वो जेल से। उसकी बातों से लग रहा है जो लड़का 10 से 12 बार उसकी बंदी चीट कर दे, वो इधर उधर मुंह मारे फिर भी उसको माफ करते, कितना साफ दिल का लौंडा होगा। ऐसी लड़की को अभी भी अगर अच्छी खासी सजा नहीं मिलती ना, तो हम सबके मुंह पर थप्पड़ है सीरियसली। हुमा को, उसकी बहन को, उसके बॉयफ्रेंड को सजा मिलनी चाहिए। वो धमकी दे रहा है बेचारे को कि तू कॉलेज के लिए निकलेगा तो मैं तेरे को बीच में पकड़ के कहीं पर भी, कितना प्रेशर आ गया होगा बेचारे के ऊपर। तीन तीन लोग, गौरव की गर्लफ्रेंड, उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड, तीनों मिलकर उसके ऊपर सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। वो जो भी बोल रहा है गलत साबित करी जा रहे हैं। गौरव बोल रहा है कि भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो खुद मुझे मिलने के लिए बुलाती थी, मेरे साथ खुश थी। वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो सामने से हुमा मुकरी जा रही है, यार मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसी लड़की से तुम्हारी अगर गर्लफ्रेंड ऐसी है ना भाई, सच बता रहा हूँ मैं, दूरियां बना लो, नहीं तो एंड रिजल्ट ऐसा ही निकलता। क्योंकि वो लड़की तुम्हें अभी लग रहा होगा कि नहीं यार अच्छी है ये वो, प्यार से बात करना, लड़कियां प्यार से बात कर लेंगी भाई, वो प्यार से बात ही करेंगी तुमसे, मतलब है उनका तुम्हारे से, सच बता रहा हूँ मैं। किसी भी सेंस में हो सकता है, फिजिकली तुम सेटिस्फाई कर रहे होंगे ठीक है वो मतलब हो सकता है, पैसा दिख रहा होगा तुम्हारे पास वो मतलब हो सकता है, वो बोर हो रही है उसके पास कोई बात करने के लिए नहीं ये मतलब हो सकता है। ऐसी लड़कियां ना बहुत प्यार से बहुत चंट होती हैं, तुम्हारे साथ घूमेंगी फिर पैसा वैसा वो सब देख रही हैं और तुम्हें लग रहा होगा नहीं यार अच्छी लड़की है, दिल की साफ है, मौका आने पर सच में फंसा देगी, खा जाएगी तुम्हें, जिसके आगे मुकरना होगा मुकर जाएगी, तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगा के पुलिस वालों के आगे मुकर जाएगी। भाई गौरव ने खुद बोला कि यार वो तो 4.5 साल से रिलेशनशिप में था, किसके, हुमा के साथ। मतलब बेचारे को कितना दुख हो रहा होगा कि उसको ये बोलना पड़ रहा है अपने वीडियो में कि अब मेरे जाने के बाद अगर हुमा ये भी एलिगेशन लगा देगी ना मेरे ऊपर कि मैंने उसका किया है, तो भी मेरे को हैरानी नहीं होगी। भाई एक लड़का जो एक लड़की से प्यार करता है, 4.5 साल से साथ में है, वो उसकी वजह से कर रहा है एंड उसको ये बोलना पड़ रहा है कि यार अगर वो मेरे पे एलिगेशन लगा देगी तो मतलब उसका दिल कितना टूटा हुआ होगा यार। तो जस्टिस मिलना चाहिए भाई गौरव को किसी भी हाल में, सब अपने अपने एंड से जस्टिस फॉर गौरव की स्टोरीज लगाओ, कुछ भी करो अपने एंड से कुछ भी करो, बट जस्टिस मिलना चाहिए। और ये जो हुमा है, उसकी बहन और उसका जो बॉयफ्रेंड मजर है ना, इसको तो सजा होनी ही चाहिए। बाकी अपना अपना ध्यान रखो, ऐसी लड़कियों से बहुत दूर रहो, बहुत ज्यादा दूर रहो। तुम्हें पता लग गया होगा, एटलीस्ट कुछ ऑडियंस तो देखेगी वीडियो तो तुम्हें पता लग जाएगा, गौरव ने जो गलती करी वो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसी लड़कियों से बहुत दूरी बनानी है, बहुत ज्यादा दूरी बनानी है, समझ रहे हो।